दुखी हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी, अजीत पवार जी, सेना के जवान राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, सबसे नमन कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, प्रधानमंत्री जी अपनी बहन को भारी मन से नम आंखों से विदाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ही हैज कम टू पे हिज लास्ट रिस्पेक्ट्स टू हिज सिस्टर, टू अ बॉन्ड दैट वाज बियॉन्ड वर्ड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं और अपनी बहन, जो मुंह बोली बहन थी इनकी, लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने आए हैं। अभी वो तमाम महाराष्ट्र के नेताओं से मिल रहे हैं, भी मुख्यमंत्री के साथ हैं। अभी आप देख सकते हैं पहुंच रहे हैं पार्थिव देह के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रद्धांजलि देंगे लता दी को। प्राइम मिनिस्टर पेज लास्ट रिस्पेक्ट टू हिज सिस्टर। लता ताई को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना, पीर टाले नटल रही होगी, यूं तबीयत मचल रही होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के शिवाजी पार्क की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और लता ताई के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, लता ताई को अंतिम विदाई देते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव विभोर हो गए हैं। आपको बता दें ये भी कि लता ताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजती थी और इन दोनों के बीच में एक भाई बहन का रिश्ता था। और अब बस कुछ ही क्षण बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा लता ताई का। पीएम मोदी इस वक्त शिवाजी पार्क। लता ताई के पार्थिव देह को शिवाजी पार्क में रखा गया। बस अब कुछ ही देर बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंगेशकर परिवार से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर उषा मंगेशकर, बहन आशा भोसले भी मौजूद हैं। अभी उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ श्रद्धांजलि देते हुए आशा ताई से बातचीत इस वक्त कर रहे हैं और मंगेशकर परिवार के साथ मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से आपको बता दें, लता जी का पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए शिवाजी पार्क में है और इस वक्त
उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। सब लोग आखिरी बार श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार हो जाएगा। बस कुछ क्षण बाद हो जाएगा अंतिम संस्कार लता ताई का और वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। आपको बता दें उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे आदित्य मुखाग्नि देने जा रहे हैं लता ताई को। आपको बता दें कि इस मौके पर बहुत सारे हस्तियां मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ी हस्ती हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के आप देख सकते हैं सीएम के साथ उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत करते हुए। तो यहाँ बॉलीवुड स्टार्स शाहरुख खान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है लता जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वर कोकिला के अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख पा रहे हैं शिवाजी पार्क में मुंबई, और अभी अभी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है लता ताई को। पीयूष गोयल साहब, केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष जी गोयल या ठिकाणी दिव्य आदरांजलि व्यक्त करतात, त्याचबरोबर माननीय खासदार माननीय सरस्वतीजी पवार हे देखील या ठिकाणी दिव्य आदरांजली वाहत आहेत। लताताई को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है और इन आखिरी क्षणों में हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धांजलि देते हुए हर वरिष्ठ हस्ती यहाँ पर है। महाराष्ट्र के सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ बैठे हैं, रंज का माहौल है। हर किसी के चेहरे पर लताताई के जाने का दुख साफ झलक रहा है। बॉलीवुड की हर बड़ी हस्ती, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सब लोग यहाँ मौजूद हैं और अब वो क्षण आ गया है जब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरा प्रांगण गूंज रहा है, सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहेगा। जय घोष। सम्मानित उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार या ठिकाणी लता दीदी ना पुष्पचक्र वाहून आदरांजली वाहत आहेत। तत्पूर्वी त्याच्या अगोदर गोव्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी देखील दीदी ना त्या ठिकाणी आदरांजली वाहिली। मंगेशकर परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शिवाजी पार्क देख में रहे हैं प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं आशा जी से, जुनई से, उषा जी से, परिवार के सभी सदस्यों से। मुंबईकरांच्या वतीने मुंबईच्या प्रथम नागरिक तथा महापौर माननीय किशोरताई पेडणेकर या ठिकाणी लता दीदींना आदरांजली वाहत आहेत। पुष्पचक्र वाहून त्या ठिकाणी आदरांजली व्यक्त केली जाते मुंबईच्या